हेलो स्टूडेंट्स क्या आपने ये सारे टॉपिक तैयार कर लिए हैं डोंट लीव मस्ट रीड तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं अपना यस yes, स्टूडेंट्स जल्दी से पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस बार सिंबल्स ऑफ द सम कॉमनली यूज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो सिंबल दिए गए हैं टेबल ट्वेल्व उनको जरूर आप लोग एक बार देख लें अच्छे से याद कर लें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट 101 परसेंट चांसेज हैं इसके आने के फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हर साल इससे क्वेश्चन आता है पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ओम्स लॉ से रिलेटेड इससे हर साल एक क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक पावर साल एक क्वेश्चन आता है ये वोल्ट एंड एम्पियर की डिफिनेशन इस बार इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे तो इसको जरूर याद करके जाइए विद फार्मूला ओके मैग्नेटिक इफेक्ट पे आ जाइए एक्टिविटी देखिए सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाएगा तो एक्टिविटी पूछी जाएंगी एक्टिविटी 13.3 13.4 13.6 13.7 100 परसेंट ये कल इंशाल्लाह आपको पेपर में मिलेंगी सर्कुलर लूप 100 परसेंट सोलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्टेड एक्सपेरिमेंट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स डायग्राम जो लास्ट में डायग्राम बना है उससे कई एक क्वेश्चन बनते हैं ओके तो ये सारी चीजें आपकी तैयार है या नहीं है जरूर तैयार कर लीजिए लाइट में आ जाइए इमेज फॉर्मेशन विद न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है सीबीएसई बहुत पसंद है उसको लेंस वाले ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू मिरर हंड्रेड परसेंट स्नेल स्ला हंड्रेड परसेंट कल इंशाल्लाह मिलेगा ग्लास स्लैब एक्टिविटी इंशाल्लाह मिल सकती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो मैं लिख करके दे सकता हूँ ये कल क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर इससे होने वाले हैं ज ऑफ कॉन्केव मिररर कॉन्वेक्स मिररर एंड कॉन्वेक्स लेंस जरूर आपको मेमोराइज होने चाहिए साइन कन्वेंशन में गलती करेंगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा याद रखिएगा इसको तो सारे याद होने चाहिए ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में डिफेक्ट ऑफ विजन कल आपको एक क्वेश्चन इससे 100% परसेंट अटेम्प करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए प्रिज्म एक्टिविटी आती है और आएगी रिकॉम्बिनेशन वाली बहुत आती है रेनबो फॉर्मेशन ये डिफिकल्ट पार्ट है लेकिन याद करके रखना है इसको एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एंड एंड सनराइज सनसेट ये आना है कल डायग्राम बना हुआ होगा वो आपसे कंक्लूजन पूछेंगे स्केटरिंग ऑफ लाइट फिगर इलेवन पॉइंट वन टू ऑफ सन एट द सनराइज एंड सनसेट ये कल मिले ना जब कहिएगा आप मुझसे केमिस्ट्री में आ जाइए बेटा केमिकल इक्वेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं ये बार बार पूछते हैं वो इन्हीं में से पूछेंगे कौन कौन से डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट कल मिलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और Redox से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपसे पूछने वाले हैं इलेक्ट्रोलिस की एक्टिविटी कई मरतबा पूछी है तो वो आपको याद होनी चाहिए आगे आ जाइए एसिड बेस एंड सॉल्ट में देखिए इसके इंडिकेटर आपको पता होने चाहिए हंड्रेड परसेंट न्यूमेर उससे एमसी से लेकर के कहीं पे भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं एक्टिविटी 2.5, 2.9, 100% टू आने वाली है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन सॉल्यूशन हाइड्रोनियम आयन वाला जरूर आपको याद करना है 100% परसेंट इंपॉर्टेंस ऑफ पी इन एवरीडे लाइफ में ये जरूर इससे केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं स्टडी ठीक है Steady, अच्छे से करके जाइएगा इनकी सबकी और आपके एप्लीकेशन बेस जरूर क्वेश्चन बनते हैं वो बनेंगे। सोडा सोडा जरूर याद करिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस बार मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है ये जरूर आना चाहिए इस बार मेटल एंड नॉन मेटल में आ जाइए। जाइएटेरिक एम्फो एम्फोटे बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है एम्फोटरिक ऑक्साइड रट करके जाइएगा वॉट हैपन वेन द मेटल रिएक्ट विद वाटर ये पता होना ही होना सारे रिएक्शन इसके रट के जाने कोई भी एक फंसने वाला है कल आपको फिगर थ्री पॉइंट थ्री ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल ये एक्टिविटी बनी हुई होगी आपसे कंक्लूजन निकलवाएंगे द रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन बनता है फॉर्मेशन ऑफ एन एसीएल एंड एमजीसीएल टू जरूर पढ़ करके जाइएगा एक बार एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल ये आना ही आना है कैल्सिनेशन रोस्टिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर क्रोजन एंड प्रिवेंशन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इससे होते हैं आपके सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए कार्बन इट्स कंपाउंड पे आ जाइए चैप्टर बड़ा बहुत है तो उसमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं अपने पास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सारे जितने एनसीआर में सारे आपको मगप होने चाहिए है ना वर्सटाइल नेचर सबने बताया है ये कई बार आता है और आइसोमर्स देखिए आइसोमर्स की डिफिनीशन और पेंटेन और ब्यूटेन की एक बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा आई में एलडीहाइट कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 100% ये आना ही आना है वॉटअप वेन से आ सकता है आधी रिएक्शन लिखेंगे बाकी कंप्लीट करवाएंगे कोई भी तरीका हो सकता है बस आपको पता होना चाहिए सपोनिफिकेशन मिशेल फॉर्मेशन इसकम फॉर्मेशन डिफरेंस इन सोप्स एंड डिटर्जेंट कौन ज्यादा बेहतर है तो सोप ज्यादा बेहतर है है ना तो ये सारी चीजें इसमें कवर होनी चाहिए अच्छे से कवर होनी चाहिए बोला तो पूरा टॉपिक सारी चीजें कवर होनी चाहिए लेकिन ये अच्छे से होना है आगे आ जाइए लाइफ प्रोसेस में अपने बायोलॉजी सेक्शन में देखिए फोटोसिंथेसिस का डायग्राम और फोटोसिंथेसिस के वो तीन पॉइंट आपको पता होने चाहिए एक्सक्रीशन हंड्रेड वन परसेंट का लाने वाला है डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको याद होनी चाहिए फिगर सिक्स पॉइंट एट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ये बहुत बार पूछते हैं आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन एडाप्टेशन बहुत पूछते हैं ट्रांसलोकेशन इस बार मैंने बताया है आपको कि आ सकता है ना, है ना इंपॉर्टेंट है हिस्सा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हंड्रेड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट हिस्से हैं सबके सब ये सब डायग्राम बने मिल सकते हैं आपको और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फिगर 6.11 स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको मिल सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है है ये है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ जाइए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम याद करके जाइएगा रिफ्लेक्स आर का डायग्राम उसकी डिफिनेशन ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स इस बार मैंने इस पे दांव खेला ह्यूमन ब्रेन आ रहा है भाई इस बार आपका 100 परसेंट

ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है सीबीएसई का बहुत पूछते हैं पूरा डायग्राम पता होना चाहिए वर्किंग भी ठीक है सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में बैक्टीरियल एंड वायरल एसटीडीज आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं ठीक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आ जाइए मेंडल्स की क्रॉस मोनोहाइब्रिड वो बार बार पूछेंगे बस चेंज कर देंगे लेकिन पूछेंगे जरूर कल वो हंड्रेड परसेंट तो जितनी भी क्रॉस है वीडियो बना है आप लोग देख सकते हैं ऑफ वेरिएशन ये टिपिकल पार्ट है लेकिन ये आएगा इसके सारे चैप्टर सारी चीज़ें कवर करके रखी मैंने वीडियो में आप लोग चाहे तो देख लें इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन 100 परसेंट का ला सकता है ये क्वेश्चन भले एम से में हो या कहीं पे भी हो लेकिन ये होगा है ना कोशिश है मेरी कि ये होना चाहिए निचोड़ निकाल लिया है मैंने अवर इन्वायरमेंट पर आ जाइए अवर इन्वायरमेंट में फूड एंड फूड वेब से तो कल एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है चाहे कुछ भी हो जाए मैनेजिंग ऑफ गारबेज ये स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है तो ये इस पर बहुत ज़्यादा मेरा फोकस रहा है बच्चों को पढ़ाया भी है है ना प्रोड्यूस जो भी गार्बेज प्रोड्यूस होगा उसको किस तरीके से आपको हटाना है है ना सारी प्रोसेस पता नहीं है हंड्रेड परसेंट पे क्लिक है इस पर यूजोन डिप्लीशन हंड्रेड परसेंट पूरा फॉर्मेशन पूरा डिप्लीशन और उसके काज और वो क्या कॉज कर देती है ह्यूमन बींग्स में वो भी पता होने चाहिए इतनी चीज़ें कवर करनी है थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाकी सारी सब्जेक्ट में हर एक चीज़ को कवर करना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में ये इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है जल्दी से पढ़ लीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी है ना इन आपका पेपर कल बहुत अच्छा हो मेरी सब मेरी दुआ है सबके लिए जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं भी हैं सबसे है ना आप लोग अच्छे से पढ़िए काम रहिएगा ठीक है पॉइंट वाइज आंसर करिएगा आपने सारे सारे पॉइंट वाइज लिखिएगा ज़्यादा फैलावे में मत पढ़िएगा ठीक है पॉइंट वाइज रहिएगा बहुत बेहतर इन शाला आपका पेपर होने वाला है कल है ना तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़ कल मिलते हैं